हाय गाइस, इट्स मी ईशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ लास्ट मिनट मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़। एंड मुझे याद है मैंने कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट मदर्स डे ग्रीटिंग आइडिया। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है फर्स्ट आइडिया जिसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज ऑफ ट्रुथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है रेड पेपर एंड उसके ऊपर जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आपको ड्रॉ करते जाना है एंड जल्दी से कर लेना है इसको कट। कट करने के बाद साइड पे मैंने लगा दिया है फेविकॉल एंड उसको मैंने कर दिया है पेस्ट। सो गाइज, अभी हम लोग फ्राइज़ बना रहे हैं, वो भी मैकडी के। एंड मैकडी का लोगो उसके ऊपर ना हो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे येलो कार्ड शीट पे निकाला है ये मैकडी का लोगो एंड जल्दी से मैं इसको कर लेती हूँ कट। तब तक आप कर दो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये लो, उसी में हमारा मैकडोनल्ड्स का लोगो बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने उसको इसके ऊपर स्टिक कर दिया है एंड टडा, हमारा फ्राइज़ का कंटेनर रेडी हो चुका है। तो बट ऐसा का ऐसा कंटेनर जिसके अंदर फ्राइज़ नहीं, तो वो जो येलो पेपर लिया था ना मैकडी के लोगों के लिए उसी का हम लोग यूज़ करके बनाने वाले हैं फ्राइज़। तो जल्दी से स्ट्रिप्स में सारे फ्रेंच फ्राइज़ को कर लो कट। एंड अभी मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ कोट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव यू मॉम। तो ऐसे आपको हर एक फ्रेंच फ्राइज़ पे लिख देने हैं कोट्स एंड प्लेस कर देना है उस कंटेनर में। टडा, हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सो गाइज, फाइनली हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। कैसा लगा ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडिया की तरफ। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी इस DIY के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक वाइट कार्ड शीट जिसके ऊपर मैंने गूगल का पूरा होम पेज निकाल लिया है एंड सर्च बार में मैंने लिख दिया है हु इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। एंड मैंने यहाँ पे नीचे अपनी मम्मा का फोटो स्टिक करके लिख दिया है कि आरती भालेराव इज़ प्रूवन एज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो आप अपनी मम्मी का फोटो साइड पर चिपका के ऐसे लिख सकते हो। सो ये भी एक अच्छी आइडिया है। तो अभी ये जो येलो पेपर हमने यूज़ किया था ना फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए वो अभी फिर से काम आने वाला है। तो सबसे पहले येलो पेपर लेके मैंने उसके ऊपर बहुत सारे चिप्स ड्रॉ कर दिए। अभी उनको बारी बारी से मैं कर देती हूँ कट। तो ये देखो, बहुत सारे चिप्स बन गए। अच्छा, चिप्स तो कट गए बट इनको चिप्स जैसा लुक नहीं आया यार। तो जैसे मैंने बताया है, अगर आप वैसे करोगे ना तो एकदम नेचुरल चिप्स का लुक आ जाएगा। ये देखो गाइस, हमारे चिप्स तो रेडी हो गए बट चिप्स का पैकेट, लेट्स मेक इट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है ब्लू पेपर एंड जल्दी से फोल्ड कर देना है एज शोन। फिर जल्दी से लगा लेंगे ग्लू एंड कर देंगे पेस्ट। फिर मैंने नीचे से भी पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यम यम। तो ये मैंने एक फनी एंड क्यूट सा नाम सोचा है, तो जल्दी से लिख देते हैं यार। सो गाइस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्टेड फ्लेवर एंड मैंने जल्दी से ना नीचे दो चिप्स ड्रॉ कर दिए एंड उनको मैंने कर दिया है कलर। तो गाइज, अभी हमें हर एक चिप पे लिख देना है कुछ ना कुछ कोट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यू आर क्यूट। एंड ये सब होने के बाद जल्दी से डाल दो उस पैकेट के अंदर एंड टडा, हमारा ये भी DIY हो चुका है रेडी। सो गाइज, कैसे लगे आइडियाज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। इसको बनाने में को बहुत ज़्यादा ही देर सी हो गई है। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।